टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। बुलंदशहर में कोरोना के दो और नए मामले आए सामने। बुलंदशहर में दो और लोगों में कोरोना की पुष्टि। कोरोना पॉजिटिव अतुल शर्मा की मां और पत्नी में हुई कोरोना की पुष्टि। कोरोना पॉजिटिव अतुल के परिवार के 8 सदस्यों की हुई थी मेडिकल जांच। पीड़ित की मां और पत्नी भी मिली कोरोना पॉजिटिव। उनतीस मार्च को बुलंदशहर के वीरखेड़ा निवासी अतुल शर्मा की जांच में पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। नोएडा की सीज फायर कंपनी में कार्यरत थे पीड़ित अतुल शर्मा। पीड़ित के कोरोना पॉजिटिव होने पर परिवार के 8 सदस्यों को खुर्जा के आश्रय स्थल में किया गया था इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। पत्नी करिश्मा और मां रीता शर्मा की रिपोर्ट पॉजिटिव। दो और कोरोना के नए मामले सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। पत्नी करिश्मा शर्मा और मारीता शर्मा की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी दोनों संक्रमित मरीजों को कोविड वन फैसिलिटी देते हुए खुर्जा L1 हॉस्पिटल में किया गया शिफ्ट। मैं अपनी तरफ से सैनिटाइज पूरे गांव को प्रयास कर रहा हूं और मैं गांव से निवेदन कर रहा हूं कि यदि किसी को कोई खाने पीने की प्रॉब्लम है, मैंने गांव में अपना नंबर बटवाया हुआ है, मुनादी बार बार करा रहा हूं, सबसे कहा हुआ है सब लोग अपने को कर्फ्यू की तरह अपने घर में जाम रखें। इस गाँव में गाँव पर बहुत बड़ी विपदा है। अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो मुझे अवगत तत्काल कराएँ और इस समस्या को सबको लड़ना है। ये पूरे वीरखेड़ा पर नहीं, पूरे बड़ पर ये समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। इससे प्रधानमंत्री जैसे जो बेचारे प्रधानमंत्री हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो इसे हम लोगों को समझना है। इसमें हमें एहतियाती बरतनी है और कर्फ्यू लगाकर अपने घरों में रहना है। ये प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो देश का राजा होता है, वो आँखों में आंसू लाकर जब देश से निवेदन कर रहा है, तो ये बात हम सभी को समझनी है और इसे समझ कर अपने को लक्ष्मण रेखा खींच कर रहना है। अतुल कुमार के परिवार के अलावा जो अतुल के क्लोजी थे, जो उनके घर पर बैठते थे, वो 8 लोग और हैं जिन्हें आइसोलेट। हाँ, 2-3 लोग और आज जाने के वो हैं, डॉक्टर टीम आई हैं। और सभी से मेरा गांव से भी निवेदन है कि इसमें, इस बड़ी विपदा में कंधा से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है। राजनीति को ख़त्म कर सब भाई हैं, सब लोग एक हैं, इस राजनीति को ख़त्म करें और सबका सहयोग करें। अगर किसी को बहुत बड़ी कोई समस्या है, मैं तत्पर, मैंने अपनी जान को बच्चों को छोड़ते हुए पूरे गांव में मैं 7 स्प्रे 7 कराया था परसों। पूरी टीम डॉक्टरों की थी, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम रही है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरा गांव में रहा। आज भी आपके आंखों से सामने देख लें, मेरी ओर से अब भी सील किया हुआ है गाँव को। और सबसे निवेदन ये है कि जो विपदा है, इस विपदा से हमें लड़ना है। बुलंदशहर के वीरखेड़ा का निवासी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से उसके परिवार सहित गांव में ही नहीं बल्कि ज़िले में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मेडिकल टीम द्वारा उसको L1 हॉस्पिटल जो घोषित किया गया खुर्जा में स्थित जटिया अस्पताल, वहां उसको भर्ती किया गया। उसके परिवार के 8 लोगों को भी क्वारंटाइन के लिए रखा गया था, जिनकी देर रात रिपोर्ट में पॉजिटिव, पीड़ित की पत्नी और माँ को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। अब कुल मिलाकर बुलंदशहर में कोरोना पॉजिटिव के 3 केस सामने आ चुके हैं। फिलहाल जो 6 लोग बाकी थे उसके परिवार के, उनको सिकंदराबाद के CHC में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है। फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो कोरोना के 3 पॉजिटिव केस जो खुर्जा के जटिया अस्पताल में स्थित हैं, जिसे L1 घोषित किया गया है। फिलहाल बाकी लोगों की जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि इन 3 के संपर्क में और कौन कौन लोग आए थे, उनकी भी जांच की जाएगी। बाकी की रिपोर्ट जांच आने के बाद ही पता चल सकेगा
कितने लोग और इस बीमारी से संक्रमित हैं। कैमरा पर्सन शमसुद्दीन सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज, बुलंदशहर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।